नमस्ते दोस्तों हो, मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे स्टूडियो। दोस्तों हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि रेल कर्मचारी पीटीओ से टिकट करने के बाद उसको कैंसिल करके दूसरी बार टिकट ले सकते हैं या नहीं। साथ में दोस्तों एक बात तो ये हो, ये दूसरी बात मैं एक बात और क्लियर करना जा रहा हूँ कि अगर दो सीटियों के बीच में अगर एक लॉन्ग रूट है एक शॉर्ट रूट है तो पीटीओ से शॉर्ट रूट तो होगा ही होगा, लेकिन लॉन्ग रूट का भी टिकट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये दूसरी बात मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि पीटीओ से जब भी आप अलग अलग ट्रेनों में एक दिन में अगर 5 बार ट्राई कर लेते हो तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा ट्राई करते हो तो आपको यूपीएन और जो पिन आपके मोबाइल पर आता है वो इनवैलिड बताएगा, उसको आपको दूसरे दिन लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक टिकट लेने वाले हैं। मैं इंदौर से रतलाम के बीच का एक टिकट लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट रूट का टिकट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास AC 3 का पीटीओ है, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्लीपर का टिकट ले रहा हूँ। रेलवे पास कंसेशन के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर ट्रेन सर्च कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक अवंतिका ट्रेन है, यहाँ पर यह दिल्ली है इंदौर से रतलाम के बीच में। ठीक है, यहाँ पर मैं टिकट लेता हूँ, 162 रुपये बता रहा है। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स, ठीक है, स्किप कर दिया, ऐड न्यू, मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। ठीक है, मेल बर्थ, यहाँ पे लोअर बर्थ, यहाँ पे यूपीएन नंबर 97 81 48 6, उसके बाद में पिन। दोस्तों यूपीएन अलग होता है, पिन अलग होती है, तो मैं यहाँ पर पिन डाल रहा हूँ, RPZ 3। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड हो गया है। अभी मैं यहाँ पर पैसेंजर डिटेल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो पीटीओ पर जो टिकट आया है वो 45 टिकट आ गया है। यहाँ पर मैं एक कैप्चा डाल देता हूँ जो टिकट लेने के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया, प्रोसीड पे कर दिया, यस कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, ये मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पर एक पेटीएम से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं पेटीएम से होता है या नहीं होता है। ठीक है साथियों, जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो का जो विषय है वो है रेल कर्मचारी HRMS से ई पास पीटीओ लेते हैं तो उसको कैंसिल करके दूसरा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, एक पीटीओ से टिकट लिया है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। पहले मैं बैग जाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर IRCTC की साइट गया और मैंने एक टिकट ले लिया है, तो मैं आपको पहले तो टिकट दिखाई देता हूँ। ये है, ठीक है, इंदौर से रतलाम, मैं आपको पूरा टिकट दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने एक टिकट ले लिया है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इस टिकट को। पहले नहीं होता था ई पीटीओ के ऊपर, HRMS से ऑनलाइन अगर टिकट लेते हैं तो उसका मॉडिफाई भी नहीं होता था और दूसरा टिकट भी नहीं बनता था। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने जो नया नियम ले आए हैं, चेंज किया है कि चार्ट बनने के पहले आप टिकट यदि कैंसिल कर लेते हो तो आप दूसरा टिकट ले सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा आप टिकट देख रहे हैं, मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, कैंसिल करने के लिए आपको मैं एक बार इसमें एक मैंने दोस्तों टिकट कैंसिल का एक वीडियो मेरा पहले से बना हुआ है, मैं आपको एक बार जब भी आप टिकट बनाएं तो आपका IRCTC का जो ऐप है इसके ऊपर चले जाइए, उसके बाद में नीचे में माय ट्रांजैक्शन आएगा। ठीक है, माय ट्रांजैक्शन में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे माय बुकिंग।
ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी टिकट बनी होगी तो आपको ये टिकट आपको दिख जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपका PNR कौन से तारीख़ की है, कहाँ से कहाँ तक है, आपका कोच नंबर, सब जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और अब कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो राइट साइड में जो टॉप कॉर्नर पर 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कैंसिल टिकट का, इसमें दोस्तों इसमें और ऑप्शन है करंट स्टेटस, कैंसिल टिकट, चेंज बोर्डिंग पॉइंट, OTP विकल्प और रिबुक टिकट। तो दोस्तों यदि आपको जो बोर्डिंग पॉइंट जो चेंज करना होता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे केवल टिकट को कैंसिल करना है, तो मैं कैंसिल टिकट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मेरा अकेले का ही टिकट है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, रही बात रिफ़ंड की, तो रिफ़ंड की अगर रूल के नियम के अनुसार मेरी 75 रुपये 45 रुपये की टिकट है, यदि वो नियम में बैठता है तो मेरा रिफ़ंड मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे कुछ भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके बाद मैं कैंसिल करने के बाद में मैं फिर से एक टिकट लेने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, टिकट अब कैंसिल करने के बाद दूसरी टिकट होगी या नहीं होगी PTO से। ठीक है दोस्तों, ठीक है कन्फर्म। यहाँ पर दोस्तों मैंने टिकट कैंसिल कर दी है। ठीक है, और यहाँ अगर आप नीचे देख रहे होंगे, रिफ़ंड अमाउंट 0 आया है, मुझे यहाँ पर कुछ भी रिफ़ंड नहीं मिला है, और नीचे में बुकिंग स्टेटस कंफर्म, करंट स्टेटस है कैंसल्ड का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब मैं ये टिकट कैंसिल कर दिया हूँ, अब मैं दूसरा टिकट ले लूँगा। ठीक है, यही टिकट लूँगा इंदौर से रतलाम का, अब इसके ऊपर टिकट बुक होता है या नहीं होता है ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, इस वीडियो का विषय है EHRM में से EPASS PTO पर टिकट लेने पर उसको कैंसिल करते हैं तो दूसरी बार उसके ऊपर टिकट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते कैंसिल करने के बाद में। दोस्तों मैं IRCTC की ऐप पर गया, फिर मैंने लॉगिन हो गया हूँ, लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे एक ट्रेन सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, इंदौर से रतलाम क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास AC 3 का PTO है, तो मैं यहाँ पर एक स्लीपर का टिकट लेना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर 25 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रेन को सर्च करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन है, अभी मैंने यहाँ पर अवंतिका का टिकट लिया था जो लॉन्ग रूट का है, अभी मैं यहाँ पे एक शॉर्ट रूट का टिकट लेता हूँ इस ट्रेन का, जो स्लीपर का लेना चाहता हूँ। ठीक है, अवेलेबल बता रहा है 145 फेयर है, पैसेंजर डिटेल में जाता हूँ। ठीक है, सीनियर सिटीजन यहाँ पे स्किप करते हैं कर देता हूँ, यहाँ पर पूरा मेरा नाम डाल देता हूँ, डाल दिया, एज डाल दिया, मेल डाल दिया, यहाँ साइड लोअर कर देता हूँ, UPI नंबर डाल देता हूँ, मैंने UPI नंबर डाल दिया। और दोस्तों यहाँ पर मैंने पहली बार जो पिन डाला था वही पिन अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी वो पिन, एक ही पिन दो बार एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मैं ऐड पैसेंजर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं रिव्यू कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर FQ कैप्चा डालता हूँ, फोर सॉरी Capital P है, यहाँ पर Capital P डाल दिया, और यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, इनवैलिड कैप्चा, फिर से मैं यहाँ पर कैप्चा डालता हूँ। ठीक है, SD Capital J Th3, ठीक है, ले लिया दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही पिन है, कैंसिल करने के बाद में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, यही मैं मुझे इस वीडियो में बताना था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर Paytm से पेमेंट करने वाला हूँ 45 रुपये का।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन पहले थोड़ा इजी आता था, अभी थोड़ा सा अलग हो गया पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे फ़ोन नंबर पहले यहाँ पर प्रोसीड करो, उसके बाद में आपके ओटीपी आएगा, पिन आएगा, या फिर आप प्रीपेड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर एक नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि मेरा टिकट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों हो मेरा फिर से पीटीओ के ऊपर टिकट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो रूल आया था कि पीटीओ के ऊपर दूसरा टिकट नहीं बनता था, तो दोस्तों अभी पीटीओ के ऊपर, ई पीटीओ के ऊपर दूसरा टिकट बनने लग गया है। ये मैंने ऑनलाइन यहाँ पर प्रूफ करके आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से यहाँ पर टिकट बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर पिन तो वही चलेगी, आपका यू पिन तो वही रहेगा, और दोनों बार आपको जो पिन आपके पास आती है तो पिन दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं, वही रहेगी। और तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आपका पीटीओ से फिर से रिजर्वेशन हो सकता है। तो दोस्तों यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। थैंक यू।